चलते पहले वैसे ना। ये बहुत अच्छा मंदिर है और आप लोगों को बता दूं ये शिवराज सिंह चौहान ने बनवाया है और बहुत ही अच्छा प्लेस है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, विदिशा आओ तो जरूर आना। पीछे देखो ये नदी दिख रही है, वो पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पूरा घाट है और वो पीछे देखो झरना भी दिख रहा होगा, वाटरफॉल गाइस। लेकिन मैं सोचती हूँ कि थोड़ी वाटरफॉल ऊंची होनी चाहिए तो ज्यादा मजा आएगा। सुंदर दिख रहा है, अभी नीचे चल के भी दिखाएंगे। और बहुत अच्छा प्लेस है ये, देखो बाढ़ वाले गणेश जी का मंदिर बोलते हैं इसको। डू यू जज मी, अम्मी की वॉइस फैन क्या है? ओह देखो गाइस, देखो यार मम्मी की वॉच इज लुकिंग, बिकॉज मुझे वॉच पहनना पसंद है, लेकिन मेरी जो मम्मी की जो वॉच है और जो मेरी सैंडल्स का कलर है मैच कर गया था, इसलिए मैं पहन ली। मम्मी सॉरी, मैंने आपकी वॉच पहना, मुझे पहन देखो कितना अच्छा लग रहा है उसमें यहाँ पर। तो दोस्तों देखो, बिल्कुल पास से मैं आप लोग दिखा रही हूँ कितना अच्छा मतलब व्यू है, बहुत ही शानदार। और दिन के टाइम तो इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। और ये राधिका अपना फोटो शूट करने लगी हुई है। राधिका गाइस लुक एट माय फोन। हाँ मिस्टी का डमी है और ये देखिए डमी है, मैं आप लोगों का सामने से भी दिखा देती हूँ। ये डमी है, ये मोबाइल नहीं है, ये मतलब इसको पूरा डेकोरेट करके रखा हुआ है, इनको बड़ा शौक है। गाइस मैंने मम्मी की वॉच भी चुरा ली, मम्मी की वॉच बन के आई हूं मैं। ये बार बार दिखा रही है मम्मी की वॉच पहन के आई हूँ, मम्मी की वॉच पहन के आई हूँ, है ना। लुक एट मी, ये तो राधिका दीदी को सूट कर रही है, वो राधिका दीदी को दे दो वॉच, है ना। पर राधिका दीदी की ज्यादा अच्छी लगेगी, तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लग रही। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये पूरा शिवराज सिंह चौहान की कृपा है जो हमारे यहाँ होके रखी हुई है। मतलब बहुत बहुत सुंदर प्लेस है, मतलब आप लोग कभी भी विदिशा आओ तो जरूर विजिट करना है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। राधिका तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मिश्री तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या हरकतें कर रही है? मैं अपने टॉप को बार बार रिंग कर रही हूँ क्योंकि वो बार बार निकल जा रहा है। एक्चुअली हम लोग दिन के टाइम आते हैं ना, देखियो राधिका ज्यादा सुंदर दिख रहा है। लेट हो गए थे हम लोग, लेकिन को तैयार होने में टाइम लगता है ना। अच्छा देख क्या कुछ है, मम्मी वीडियो बना रही थी, चल झूठी क्या तैयार हुई है। देख साड़ी पहनने में टाइम लगता है दोस्तों, जिस दिन मैं साड़ी पहनती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि साड़ी जमाने में टाइम लगता है। ऑलमोस्ट मम्मी 7 बज गए, डिनर टाइम हो गया, चल लो। अच्छा इसको 2 मिनट लगते हैं राधिका को, और मिष्टी को मुझे तो टाइम ही नहीं लगता, 5 मिनट में मैं रेडी हो जाऊं। चोटी तो तुम्हारी नानी कर देती है। हाँ नानी कर देती है। और बेटे मैंने ना मम्मी को बताया नहीं था कि मैं वॉशिंग कितनी बार बोल रही है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास बजल बहुत जाएगा। तो ये गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, और झांकी रखी हुई है। गणेश चतुर्थी भी है तो यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ है। तो दिखा दिया हमने सब जगह से, दिखा दिया पूरा दिखा दिया। गाइस मैं आपको चीज बताना भूल गई, इधर करो नीचे करो नीचे 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 कैमरा नीचे। तो आप मेरे सैंडल्स देख रहे हो ना, और मेरी वॉच का कलर कुछ देखो, है ना। मिस्टी सब मैचिंग का पहन के आती है, ठीक है बेटा। साड़ी गंदी कर लोगी, जो खजुराहो से लेके आई थी मम्मी वाली साड़ी। ये कितना बोल है। हाँ ये कर, कैसा लग रहा है मिस्टी? थोड़ा अब मैं आपको आउट लुक दिखाती हूँ, तो कैन यू होल्ड प्लीज मेरा फोन मेरे से। सो गाइस आई कैन टेल यू, तो ये मम्मी ने पहना है ये, ठीक है गाइस। अब मम्मी मेरा दिखाएंगी मेरा आउट, और ये दीदी का ओ पी डी है, ओ
ओटीडी ओटीडी मतलब आउटफिट ऑफ द डे। अच्छा ऐसा, ओ मिस्टी का कितना। चलिए अभी हम यहाँ खड़े होते हैं, ये शायद इसी के लिए बनाए होंगे कि थोड़ी देर थक जाओ तो इनके ऊपर हाथ रख के खड़े हो जाओ ना। क्यों मिस्टी, शिवराज सिंह चौहान ने इसी के लिए बनाए होंगे जब थक जाओ तो यहाँ आकर खड़े हो जाओ। बहुत अच्छे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पे क्राफ्ट वीडियो फिर से शूट करूं, सो डू कमेंट डाउन, है ना मिस्टी। और दीदी मुझे पीछे से घूर रही, तब मैं कह रही हूँ क्राफ्ट वीडियो शूट करूँ। हाँ मिस्टी के लिए, और हाँ दोस्तों बता, राधिका के लिए भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट आया है जिसने भी भेजा है। वाईटी फैमिली की तरफ से आया, मम्मी कोई सब्सक्राइबर ने नहीं भेजा है। हाँ वाईटी फैमिली, अब जो भी है जिसने भी भेजा है, प्लीज प्लीज अपना नाम जरूर बताया करो जो भी गिफ्ट भेजा है। वाईटी फैमिली मतलब यूट्यूब की तरफ से आया। ब्लॉग शूट करना है, मेरी ट्रिप जा रही है फाइनली। मेरी ट्रिप ट्यूसडे को जाने वाली है, इसी ट्यूसडे को मतलब। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। कहाँ जा रही है जल्दी बता। फन सिटी भोपाल, मैं आपको बताने नहीं चाहती थी, मैंने कहा उसके एक दिन पहले रिव्यू, क्योंकि मिस्टी तो मोबाइल लेकर जाने वाली नहीं है, इसलिए मिस्टी का आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये खम्बा इतना टेढ़ा हो रहा है, देखना यूँ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कभी के दिन गिरने वाला है किसी के भी सर पे। तो शिवराज सिंह जी, आप यदि ये देख रहे हो वीडियो तो जरूर ये खम्बा सुधरवा देना, क्योंकि बेकार हो रहा है। वाटरफॉल भी बड़ी करा सकती। हाँ ये मिस्टी कह रही है ये वाटरफॉल भी बड़ा करवा देना, ताकि फॉल नहीं है वो जो भी है, पर बहुत सुंदर व्यू है क्योंकि वहाँ से ये हाइट ऊंची है, फिर यहाँ पे नीचे करा हुआ है तो बहुत सुंदर व्यू आता है। पानी इतनी तेजी से बहाव है तो बहुत सुंदर लग रहा है। अरे मुझे भूख लग रही है, 7 बज गए। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग को अभी जाना है। इन लोग को झिंगूर बैठ गया था, इनके कान पे झिंगूर बैठ गया था दोस्तों, और बच्चों को लग रही है भूख तो लेके जा रहे हैं इनको कुछ खिलाने। अभी मेरे को नहीं लग रही राधिका, इतनी तेजी से राधिका बोल रही है, आपको नहीं लग रही। 7:15 हो गए हैं। हाँ तो अभी हम लोग यहाँ खा लेती हूँ। अभी 7:15 हो गए और मंदिर की आरती भी होने लगी है दोस्तों यहाँ पर। नहीं नहीं थोड़ा सा अटेंड कर देना मिस्टी, आ जाओ। तो दोस्तों नाउ वी आर कहाँ पर है अपन लोग बता, बापू की कुटिया। कुटिया और मिस्टी तो कुछ और ही बोल रही है जो हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग समझ जाओ कि मिस्टी क्या बोल रही होगी। बापू की अब प्रोनाउंसिएशन में वो गड़बड़ कर रही है। यार यहीं पर गोल्ड सिनेमा खुलने वाला है। हाँ यहाँ पर ये गोल्ड सिनेमा खुलने वाला है। हाँ ओपनिंग क्या पता कब होगी, हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जल्दी फिर हम लोग को भोपाल नहीं जाना पड़ेगा। मिस्टी तुम क्या खाओगे? मिस्टी और राधिका देखो कितना ध्यान से लगी हुई है। मिस्टी चाइनीज नहीं खाना है। दीदी कहती है तू से पक्का ऐसा क्यों? देखो तो सैंडविच हमारा डोसा आ चुका है, मिस्टी का सैंडविच और राधिका का खाना। खाना हम लोग सब खाएंगे आज। बहुत ज़्यादा इसलिए।
आइसक्रीम खिलाने ले आए हैं ना मिष्टी। कौन सी खाएगी मिष्टी आइसक्रीम? राधिका आप भी खाओगे? हाँ राधिका अब आई है तो खाएंगे।